सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। 5G मोबाइल, अगर 5G फ़ोन देखेंगे इंडिया पे तो आपको ज़्यादातर 5G फ़ोन जो है वो चाइनीज़ या फिर नॉन चाइनीज़ ब्रांड का देखने को मिलेगा, इंडियन ब्रांड का मोबाइल नहीं है, आप ऐसा सोच लीजिए। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारा भाई मुझे कमेंट करके पूछ रहा है, तो भाई माइक्रोमैक्स 5G फ़ोन कब लॉन्च कर रहा है, क्योंकि माइक्रोमैक्स ने इसने पहले भी बता चुका है। और अगर ये फ़ोन 1500 के अंदर मिल जाए और यहाँ पर 5G सपोर्ट हो और गेम भी खेल सके तो कैसा होगा? तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ये फ़ोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, साथ में और भी काफ़ी सारा कमेंट किया है आप लोगों, क्योंकि ये जो वीडियो है क्यू एन ए वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले कमेंट जो किया है सर, टेक्नो फैंटम एक्स इंडिया में क्यों लॉन्च नहीं हुआ? तो यहाँ पर टेक्नो फैंटम एक्स शायद इंडिया पे आ सकता है, क्योंकि टेक्नो फैंटम 9 इंडिया पे लॉन्च हुआ था, बट लेट हो रहा है क्योंकि टेक्नो का बहुत सारा फोन जो है अभी लॉन्च होने का कगार में है, जैसे कि कैमोन 18 सीरीज भी है, तो वो भी शायद लॉन्च होगा। अब देखते हैं, जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कंपनी अभी ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं दिया है। नेक्स्ट कमेंट किया है भाई, इन्फिनिक्स का जो एक्स प्रो जो है वो इंडिया में कब लॉन्च होगा, मतलब कब आएगा इंडिया पे? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इन्फिनिक्स 0X सीरीज का कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है, शायद 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है इंडिया पे आ सकता है, मतलब दिसंबर के आसपास जो इंडिया पे देखने को मिल सकता है, बट ये भी ऑफिशियली नहीं है, मैं अपना अनुमान के हिसाब से आपसे शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट जो कमेंट किया है, 15000 के अंदर एक बेस्ट फोन चाहिए, तो भाई ऑलराउंडर फोन ना काफी सारा है, जैसे कि रियलमी 8 हो गया, या फिर आप रेडमी की तरफ से जाएंगे तो रेडमी नोट 10 प्रो जो है वो आपको 16-17 हजार में मिल जाता है। बाकी यहां पर मोटो G60 भी आपको जो है कभी कभी ऑफर में 15000 के आसपास मिल जाता है, तो ये आपके ऊपर है, आप इसमें से कोई भी एक मोबाइल चूज कर सकते हैं। रियलमी 8 काफी अच्छा फोन है, आप उसको जरूर से चेकआउट करना। बाकी रियलमी 8 आई भी है, ऑलराउंडर फोन के हिसाब से ये सारे बेस्ट है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट किया है भाई, आपका हाथ में कौन सा मोबाइल है? मैंने एक पोस्ट किया था, तो ये जो मोबाइल है मेरा पर्सनल है, पोको M2 प्रो, मैंने काफी बार बता चुका हूं, वही मोबाइल यहां पर आप जो है स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बाकी जो नेक्स्ट कमेंट किया है भाई, इन्फिनिक्स जो है अपना 5G फोन कब ला रहा है, कब इंडिया पे लॉन्च करेगा? तो देखिए इन्फिनिक्स का 5G फोन तो मुझे नहीं लगता है अभी आने वाला है, क्योंकि इन्फिनिक्स अभी जो है इंडिया पे मतलब सिर्फ और सिर्फ गेमिंग और कैमरा और डिजाइन में जो है फोकस कर रहा है। बाकी इंडिया पे जब 5G आएगा शायद उसी टाइम आप इन्फिनिक्स का 5G फोन इंडिया पे देखने को मिल सकता है, बाकी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो कमेंट किया है, आपको कितना स्पॉन्सर मिल चुका है अब तक? देखिए मुझे ना ज्यादा स्पॉन्सर नहीं मिला है, मुझे लगता है 6 से 7 ऐसा कुछ होगा, 6-7 स्पॉन्सर मुझे मिला होगा, अब ज्यादा स्पॉन्सर का काम मैं करता भी नहीं हूं, आपको पता होगा। नेक्स्ट जो कमेंट किया है भाई, आप कौन सा गांव या फिर जिला से हो बताओ? मैं जो है वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट है ना वहां से हूं, और यहां पर भाई ने मुझे काफी इंटरेस्टिंग सवाल किया है, आपका बर्थडे बताओ हम लोग मनाएंगे। भाई आप लोग क्यों मनाओगे मेरा बर्थडे? और मेरा बर्थडे मैं पर्सनली रखता हूं, यहां पर ओपनली नहीं बताता हूं। और नेक्स्ट जो कमेंट किया है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टेक्नो कैमोन 18 सीरीज कब इंडिया पे लॉन्च होगा? यहां पर टेक्नो कैमोन 18 सीरीज दिसंबर का महीने में इंडिया पे देखने को मिल सकता है, या फिर जनवरी तक भी जा सकता है, बहुत ही जल्द ये फोन इंडिया पे आएगा। और इन्फिनिक्स का नोट जो सीरीज है वो भी इंडिया पे बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, दिसंबर का फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक जो है ये फोन आपको इंडिया पे मुझे लगता है कंफर्म जो है लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ और एक सवाल मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जब इंडिया पे 5G लॉन्च हो जाएगा तो 5G मोबाइल 1500 के आसपास मतलब 1.5K के आसपास मिल सकता है क्या? देखिए 5G मोबाइल का प्राइस ज़्यादा नहीं है, जो 5G प्रोसेसर आता है ना उसका प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पर अगर 5G प्रोसेसर का बजट देखेंगे अभी का प्राइस रेंज के हिसाब से तो 1500 से ज़्यादा जो है सिर्फ चिपसेट का प्राइस है, तो आपको तो भाई नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो प्रोसेसर है उसका बजट जो है 1500 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको कैसे मिल जाएगा? नहीं मिल सकता है। बाद में अगर प्राइस कम होता है तो फिर वो अलग बात है। और नेक्स्ट कमेंट, माइक्रोमैक्स का 5G फोन कब आएगा? तो भाई माइक्रोमैक्स 5G फोन पर काम कर रहा है, बहुत दिन पहले बताया था, अभी तक ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है, तो यहां पर माइक्रोमैक्स का 5G फोन का ऑफिशियल अपडेट तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, बट 2022 में शायद आपको देखने को मिल सकता है, जब अपडेट आएगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। नेक्स्ट कमेंट भाई, 5G जो फोन है अभी लेना चाहिए या फिर 4G लेना चाहिए? देखिए अगर आपके पास एक 4G फोन है, आपका काम चल रहा है, तो भाई 5G पर अभी मत जाओ, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 5G फोन लेना ही है तो 20000 के ऊपर प्राइस में जाओ, उसके नीचे 5G फोन नहीं लेना, क्योंकि वहां पर 5G के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तो गाइस ये था कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। बाकी आपका मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाओ, मुझे कमेंट करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं और कोई इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।